हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितेश पांडे और इस क्लास इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। विल सी ऑक्सीडेशन नंबर यूज करके कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। इसके पहले के वीडियोस में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचान सकते हैं, रेडॉक्स पहचान सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल देखेंगे, विच इज इन बैलेंसिंग इक्वेशंस। नाउ इक्वेशन बैलेंस करते समय हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं, वो एक बेसिक रूल है। पर उसके पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, या तो किसी किताब से या फिर पहले के थ्योरी वीडियोस से वो सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, जिससे सारे एग्जांपल्स हम लोग एक एक करके समझ सकें। एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल इज अबाउट कॉपर ऑक्साइड अमोनिया फॉर्मिंग कॉपर प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन। हर स्लाइड में यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिखेगा। आप चाहें तो वीडियो को वहीं पर रोक करके क्वेश्चन पहले खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके यू कैन चेक कि ये आपका सोल्यूशन राइट है कि रॉन्ग। हर स्लाइड में पहले एक इक्वेशन दिया हुआ है, जिसको देख करके वीडियो को स्टॉप करके आप पहले खुद ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद रिज्यूम करके यू कैन चेक फॉर द सोल्यूशन। विल बिगिन विथ एग्जाम्पल वन, कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया फॉर्मिंग कॉपर प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन। अब ये थोड़ी प्रैक्टिस की बात है, कि यहाँ पर कॉपर प्लस 2 होगा बिकॉज ऑक्सीजन माइनस 2 होता है, हाइड्रोजन प्लस 1 लेने से ये नाइट्रोजन माइनस 3 होगा, यहाँ पर कॉपर भी 0 होगा और नाइट्रोजन भी 0 होगा। ये सारे रूल्स पता होने चाहिए कि प्योर फॉर्म में एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। नेचुरली कॉपर प्लस टू से जीरो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका एन फैक्टर हम लोग बोलते थे, दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और नाइट्रोजन माइनस 3 से जब 0 लिखते हैं तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और रूल है कि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब अगर इसका एन फैक्टर 2 आता है और इसका एन फैक्टर 3 आता है तो हम लोग 3 मोल कॉपर ऑक्साइड लेंगे और 2 मोल अमोनिया लेंगे। ये लॉजिक भी समझ में आ जाता है एक पॉइंट के बाद ये लॉजिक भी समझ में आ जाता है। अगर इसका 1 मोल 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 3 मोल लेने से ये 6 इलेक्ट्रॉन लेने लग जाता है, और अगर इसका 1 मोल 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो 2 मोल लेने से ये भी 6 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये इंटरचेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन बाय एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये इंटरचेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। 3 CuO और 2 अमोनिया में 3 और 2 आर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, इनको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स 2 और 3 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज से आते हैं। नाउ यहां पर अगर कॉपर 3 है तो इसको भी 3 कॉपर लिखने की जरूरत है, दिस विल बी 3 कॉपर। वाटर लास्ट में बैलेंस कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और नेचुरली अगर यहां पर 2 अमोनिया है तो ये नाइट्रोजन 2 ही रहेगा। हाइड्रोजन यहां पर 3 × 2 = 6 है, ऑक्सीजन 3 है, तो यहां पर 3H2O लेने से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है, सो बेसिकली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 और 2 चाहिए वो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज से ही आते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन की भाषा अलग हो सकती है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, पर ऑल इन ऑल प्रिंसिपल होता है आपको इक्वेशन बैलेंस करना आना हो। और इक्वेशन बैलेंस करने का सबसे कन्वीनियंट, सबसे आसान तरीका होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और उस नंबर को एक्सचेंज कर देना। विल टॉक अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल में वापस आप इसको पहले कॉपी कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड आयोडीन फॉर्मिंग आयोडिक एसिड NO2 वाटर। एक बार खुद ट्राई करने के बाद इसका सोल्यूशन देखना चाहिए। HNO3 plus iodine फॉर्मिंग HIO3 NO2 plus water। नाउ इस केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, आयोडिक एसिड में आयोडीन का +5,
और NO2 में नाइट्रोजन प्लस 4, ये सारे रूल्स पता होने चाहिए, ये निकालना आना चाहिए। उसके बाद प्लस 5 से प्लस 4 ये रिडक्शन है, नाइट्रिक एसिड यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और 5 to 4 N हम 1 ले सकते हैं, 5 to 4 N हम 1 ले सकते हैं। यहाँ पर 0 से प्लस 5 ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पर 5 की जगह 2 into 5 लेंगे, ये 2 into 5 लेंगे, ये 2 into 5 लेंगे, क्योंकि आयोडीन का यहाँ 2 एटम है। ये बात हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहले के वीडियोस में हम लोग ये देख चुके हैं, अगर 2 आयोडीन है तो 2 into 5 और ये एन फैक्टर 10 आ जाता है। इसका एन फैक्टर 1 और इसका एन फैक्टर 10 का मतलब है, जब इसको इंटरचेंज करेंगे, इसको जब इंटरचेंज करने के बाद नाइट्रिक एसिड 10 मोल्स, ये नेचुरली 1 मोल ही रहेगा, एन इसका 1 है, ये 1 यहां आ जाएगा, 10 यहां आ जाएगा, तो 1 मतलब ये आयोडीन लिखेंगे। अब ये 10 HNO3 है, HIO3 जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर 2 आयोडीन है, तो इसको हम लोग यहां पर 2 लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग इसको 2 लिख सकते हैं। NO2 यहां पर 10 नाइट्रोजन है, तो यहां पर हम लोग इसको 10 NO2 लिख सकते हैं। एंड फाइनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना रहता है, टोटल हाइड्रोजन यहां 10 दिखता है, ये अगर 2 है तो बाकी 8 के लिए H2O 4 मोल्स होना चाहिए। अब इसके बाद जहां तक है ये इक्वेशन बैलेंस होगा, हाइड्रोजन हमने 8 और 2 10 देख लिया, ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 3 into 2 6, 6 plus 20 26, plus 4 30, यहां पर 10 into 3 30। सो दिस इज माई बैलेंस इक्वेशन, और सबसे पहले ये जो 10 और 1 एक मोल, ये 10 और 1 जो आता है, ये 1 और 10 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को एक्सचेंज करने से ही आता है। विल टॉक अबाउट क्वेश्चन 3, विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वापस इस एग्जाम्पल में, इसको पहले कॉपी करने की जरूरत है। Na2S2O3 plus KMnO4 plus water becoming sodium sulfate plus potassium sulfate plus MnO2 plus KOH, बड़ा सा इक्वेशन है, आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर सकते हैं। सोडियम थायोसल्फेट बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, KMnO4 यहां पर सबका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने पहले के वीडियो में निकाल लिया है, प्लस H2O फॉर्मिंग Na2SO4 Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस K2SO4 प्लस MnO2 प्लस KOH, तो बड़ा सा इक्वेशन है, पर स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से, और ये सारे वैल्यूज हमने पहले निकाले हैं। सल्फर के लिए यहां पर प्लस 2, KMnO4 के लिए यहां पर प्लस 7, अब ये प्लस 2 सल्फेट में प्लस 6 होता है, और ये प्लस 7 MnO2 में प्लस 4 होता है, ऑक्सीजन माइनस 2 के हिसाब से माइनस 4 होगा। और राइट अवे हम लोग दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देखेंगे। सल्फर के लिए 2 से 6 जो 4 यूनिट्स लगता है, क्योंकि यहां पर 2 सल्फर है, इसको हम लोग 2 into 2 से 6 जो 4 यूनिट्स लगता है, 2 into 4 8 लेंगे, क्योंकि यहां पर 2 सल्फर है। और मैंगनीज प्लस 7 से 4 ये हम लोग 3 लेंगे, 7 से 4 ये हम लोग 3 लेंगे, क्योंकि एक ही मैंगनीज है। अब इसका एन फैक्टर अगर 8 आता है, इसका एन फैक्टर 3 आता है, तो नियम क्या है, द रूल इज विल एक्सचेंज इट, इसको एक्सचेंज करके देखते हैं कैसा पिक्चर आता है। इसको जब एक्सचेंज करेंगे, इसका 3 मोल लेंगे, सो आई विल राइट 3 मोल्स ऑफ Na2S2O3, और इसका एन फैक्टर 8 था, तो यहां पर 8 KMnO4 लेंगे। यहां पर भी लॉजिक क्या है, यहां पर भी लॉजिक ये है कि अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, 1 मोल से 8 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 1 मोल से 8 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 3 मोल लेने से 24 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और KMnO4 अगर रिड्यूस हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 8 मोल लेने से 8 into 3 24 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। तो हर बार द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंटरचेंज करने का यही कंसेप्ट है। और ये 3 और 8 आने के बाद थोड़ा और दिमाग लगाएंगे यहां पर, एक बार ये थ्री और एट आ जाता है, उसके बाद बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद 3 Na2S2O3 है, और यहां पर सिर्फ यहां पर सल्फेट है, तो मैं इसको 3 Na2SO4 लूंगा, क्योंकि यहां सोडियम, यहां पर भी 6 है, अब सल्फेट इसके अलावा K2SO4 में है,
तो K2SO4 लिखते समय, K2SO4 लिखते समय मैं टोटल सल्फर देखूंगा, टोटल सल्फर यहां पर 6 है, टोटल सल्फर यहां पर 6 है, 3 × 2 = 6, तो अगर यहां पर 3 है तो यहां पर भी ये भी 3 होना चाहिए, तब ये 6 हो जाएगा। ऐसा करने से यहां पोटेशियम 6 आ गया, यहां पोटेशियम 6 आ गया। पहले MnO2 की बात कर लेते हैं, MnO2 सिर्फ यहीं पर है, 8KMnO4 है, तो ये 8MnO2 होना चाहिए, ये 8MnO2 होना चाहिए। और फाइनली KOH के लिए पोटेशियम देखेंगे, अगर यहां पर पोटेशियम 8 है, जहां पर 6 यहां पर आ गया है, तो 2KOH लेने से ये पोटेशियम भी बैलेंस हो जाता है, ये पोटेशियम भी बैलेंस हो जाता है। सो दिस वे मेरे को लगता है ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमारा आ गया है। सोडियम 6 है, पोटेशियम 8 है, 3 × 2 = 6, 2 = 8 है, सल्फर मेरा यहां पर 6 है, 3 × 2 = 6 है, यहां पर मेरा 3 और 3 सल्फर 6 है। ऑक्सीजन भी अगर हम लोग काउंट करें तो ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन भी यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये मेरा बैलेंस इक्वेशन आ गया। और बैलेंस करने के लिए थोड़ा तो हमको मेहनत करना पड़ता है, पर वो मेहनत आसान हो जाती है अगर मेरे को ये 3 और 8 मिल जाए, जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज से मेरे को मिल जाती है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, विच इज से सल्फर नाइट्रिक एसिड फॉर्मिंग H2SO4 NO2 एंड वाटर। सल्फर नाइट्रिक एसिड फॉर्मिंग H2SO4 NO2 एंड वाटर। नाउ वापस इसको आप पहले वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें, पहले खुद ट्राई कर लें, और हर जगह सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, H2SO4 NO2 प्लस वाटर, H2SO4 NO2 प्लस वाटर। नेचुरली यहां पर सल्फर जीरो है, यहां पर सल्फर जीरो है, और जीरो से हो रहा है ये प्लस 6, तो इसके लिए एनफैक्टर हम लोग 6 ले सकते हैं, यहां पर नाइट्रोजन है प्लस 5, और प्लस 5 से हो रहा है ये प्लस 4, तो यहां पर इसके लिए एनफैक्टर हम लोग 1 ले सकते हैं। और अगर इसका एनफैक्टर 1 है, रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका एनफैक्टर 6 है, ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको इंटरचेंज करने से एक मोल सल्फर लेने से और 6 मोल नाइट्रिक एसिड से हम लोग ये कहानी को स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ नेचुरली अगर यहाँ पर ये H2SO4 है और इसका इनफैक्टर 6 था, ये एक ही है, तो H2SO4 यहाँ पर एक ही रहेगा, क्योंकि सल्फर एक ही रहना चाहिए, यहाँ लेफ्ट में सल्फर एक ही है। NO2 के लिए यहाँ पर 6 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर मैं 6 NO2 ले सकता हूँ नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए। और लास्ट में वाटर को बैलेंस करते समय हम लोग हाइड्रोजन देख लेंगे कि यहाँ पर अगर 6 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर पहले मिल जाता है, तो नेचुरली यहाँ पर 4 और हाइड्रोजन लेने से 2H2O लेने से मेरा पूरा बैलेंस होना चाहिए। हमने सल्फर हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिला लिया, ऑक्सीजन मिलाते हैं, यहाँ पर 2 12 2 14 4 18 6 × 3 = 18, तो ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस होता है। सो नेचुरली ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन है, और ये कहानी आसान है, सिंपल है, क्योंकि मेरे को पहले ये 1 मोल और 6 मोल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 6 और 1 से मिल जाता है। और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और हर बार कोशिश रहनी चाहिए कि एक बार पहले आप खुद ट्राई कर लें, उसके बाद यू लुक फॉर द वीडियो सॉल्यूशन, देन यू लुक फॉर द वीडियो सॉल्यूशन। सो दिस विल बी एग्जांपल नंबर 5, KMnO4 H2SO4 फेरस सल्फेट। अब ये पता होता है अभी तक कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेरस सल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट है, और जल्दी से अगर इस इक्वेशन को लिख लें, बड़ा सा इक्वेशन है, KMnO4 प्लस H2SO4, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 बिकमिंग K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस फेरिक सल्फेट प्लस वाटर। एसिडिक मीडियम में हम लोग KMnO4 को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पर सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हमने KMnO4 का इन फैक्टर निकाला था पहले, और राइट अवे ये प्लस सेवन से मैंगनीज यहाँ पर प्लस 2 हो रहा है, प्लस 7 से प्लस 2, इसका इन फैक्टर यहाँ पर 2 दिखता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूस हो रहा है, और फेरस यहाँ पर प्लस 2 से यहाँ प्लस 3 हो रहा है, बिकॉज ये फेरस है और ये फेरिक है, इसका इन फैक्टर हम लोग 1 ले सकते हैं। अब अगर इसका इन फैक्टर ये 5 होगा,
इसका एन फैक्टर ये 5 होगा, नेचुरली ये 7 से 2 हो रहा है तो इसका एन फैक्टर ये 5 होगा, दिस विल बी 5, दिस विल बी 5, इसका एन फैक्टर 5 है और इसका एन फैक्टर 1 है, इसका एन फैक्टर 5 है इसका एन फैक्टर 1 है, तो इसका एक मोल और इसका 5 मोल लेना चाहिए, इसका एक मोल और इसका 5 मोल लेना चाहिए। पर ये 1 और 5 लेते समय, ये 1 और 5 लेते समय ही, इसका एक मोल और इसका 5 मोल लेते समय ही एक डाउट होगा कि यहां पर फेरिक सल्फेट है, ये 5 लेने से ये 5/2 हो जाएगा, ये एक इवन नंबर है। तो ये जो रेशियो 1:5 है, ये जो रेशियो 1:5 यहां तक मेरे को समझ में आ रहा है, ये जो रेशियो मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर से 1:5 समझ में आ रहा है, इस रेशियो 1:5 को हम लोग राइट अवे डबल करके, इसको हम लोग राइट अवे डबल करके 2:10 लेने वाले हैं, इसको हम लोग राइट अवे 2:10 लेने वाले हैं, क्योंकि मेरे को आयरन यहां पर एक इवन नंबर चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड लास्ट में बैलेंस कर लेंगे और ये 2 और 10 से ये जर्नी स्टार्ट हो सकती है, 2 और 10 से ये जर्नी स्टार्ट हो सकती है, 2 और 10 से ये जर्नी स्टार्ट हो सकती है। ये हमारा मदर इक्वेशन था, एन फैक्टर 5 और 1 आया, 1 मोल और 5 मोल को मैंने 2 मोल और 10 मोल ले लिया, बिकॉज यहां पर मेरे को होल इवन नंबर चाहिए। अब जब यहां पर K2SO4 लिखेंगे, यहां पर जब K2SO4 लिखेंगे, प्रोडक्ट में सिर्फ यहां पर K2SO4 है, दो दो पोटेशियम यहां पर बैलेंस ही दिख रहा है, तो ये K2SO4 ऐसे ही रहेगा। नेचुरली MnSO4 यहां पर 2 मैंगनीज है, यहां पर 2 मैंगनीज है, तो यहां पर MnSO4 भी 2 मोल होना चाहिए। बेसिकली ये 2 और 10 के बाद ये कहानी आसान हो जाती है, 2 पोटेशियम ये K2 ही रहेगा, 2 मैंगनीज तो ये 2MnSO4 ही रहेगा, लास्ट में सल्फ्यूरिक एसिड को बैलेंस करना पड़ेगा। और आयरन अगर 10 है, आयरन अगर यहाँ 10 है, तो Fe2 के लिए इसको 5 Fe2SO4 होल सेल्स लेना पड़ेगा। वाटर को भी लास्ट में बैलेंस कर सकते हैं, वाटर को भी लास्ट में बैलेंस कर सकते हैं, और यहाँ पर वाटर को बैलेंस करने के लिए हम लोग सल्फेट काउंट करते हैं, टोटल सल्फेट 1, 2, 3 और यहाँ पर 15 है, टोटल यहाँ पर 1, 2, 3 और 5 × 3 15 सल्फेट या 15 सल्फर है, 15 में 10 यहां दिखता है, तो अगर 10 यहां पर दिखता है तो बाकी 8 हम लोग यहां ले सकते हैं, और 8H2SO4 से हाइड्रोजन लेकर के मैं इसको 8H2O कर सकता हूं, एंड दिस विल बी बैलेंस्ड। सल्फेट के अलावा ऑक्सीजन मेरा 8 यहां पर है, जो ऑक्सीजन यहां पर है। तो ये रेशियो 2:10 लिखने के बाद, 2:10 लिखने के बाद ये जर्नी काफी आसान हो जाती है। कितना ही बड़ा इक्वेशन हो, क्वेश्चन आपको पूछेगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो काफी बार मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछ चुके हैं। इट्स अ वेरी कॉमन इक्वेशन और थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, इसकी आदत पड़ जाती है। रियल एग्जाम में हो सकता है आपको ये पूरा बैलेंस भी ना करना पड़े, ऑप्शन में सिर्फ 2:10 1:5 वैसा एक ऑप्शन टिक करना रहता है। रियल एग्जाम क्वेश्चंस की बात भी हम लोग करेंगे, अभी कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। K2Cr2O7 plus HCl forming KCl CrCl3 water chlorine and this time very popular oxidizing agent K2Cr2O7 HCl के साथ में इट्स फॉर्मिंग KCl plus CrCl3 plus water और ये है क्लोरीन का रिड्यूस्ड फॉर्म, रादर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, जहां ये -1 से 0 हो रहा है। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, क्रोमियम का +6 हमने पहले काफी बार देखा है, क्लोरीन का -1, यहां से हो जाता है ये 0, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, +6 से +3 ये रिडक्शन हो रहा है, और येट अगेन दो क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम के लिए इसको 3 की जगह हम 2×3 लेंगे, ये एन फैक्टर आएगा 6, और -1 से 0 ये हम लोग एन फैक्टर 1 ले सकते हैं, ये एन फैक्टर हम 1 ले सकते हैं। तो शुरू में लगेगा कि 1:6 रेशियो होना चाहिए, यहां से हम लोग इस प्रोसेस को चालू कर सकते हैं, और अगर इसका इंटरचेंज करके इसका एक मोल लें K2Cr2O7 का एक मोल लें, और यहां पर 6 HCl लें
तो यहां पर दो पोटेशियम है, यहां पर दो पोटेशियम है, ये 2KCl लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां दो पोटेशियम है तो यहां पर KCl भी दो लेना पड़ेगा, 2KCl लेना पड़ेगा। यहां पर दो क्रोमियम है तो 2CrCl3 लेना पड़ेगा। वाटर को लास्ट में बैलेंस कर सकते हैं। और ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो इस फॉर्म में ही मेरा टोटल क्लोरीन लगता है 2, 6, 2, 8, 2, 10। यहां पर मेरा टोटल क्लोरीन लगता है 2, 6, 2, 8 और 2, 10। अगर यहां पर 10 क्लोरीन चाहिए मेरे को, तो मेरे को यहां पर 10HCl चाहिए, 10HCl चाहिए। 10HCl से ये 5H2O होगा, पर 5H2O से ये 7 ऑक्सीजन मैच नहीं करेगा। तो ये हम पहले 1:6 तो निकाल लिए, पर इसके बाद थोड़ा एप्लीकेशन की जरूरत है। और मेरे को लगता है कि ऑक्सीजन यहां पर बैलेंस करना सबसे जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ यहां पर है, क्लोरीन तो 2-3 जगह है। तो ऑक्सीजन अगर यहां पर 7 है, तो नेचुरली इसको अप्रोच हम लोग ऐसे करेंगे, अगर ये 7 यहां पर ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले ये 7H2O ले लिया, और जब 7H2O ले लिया तो हाइड्रोजन मेरे को 14 लेना ही पड़ेगा, तो इस 6 की जगह हमने इसको कर दिया 14HCl। अब जब ये 14HCl कर दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इसको हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज पोटेशियम 2 का 2 ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज क्रोमियम 2 का 2 ही रहेगा। 2, 6, 2, 8, 6, 2, 8, यहां पर 14 है, 6, 2, 8, ये 3 मोल क्लोरीन लेने से ये इक्वेशन शायद बैलेंस हो गया है। तो एक बार इसको चेक कर देना चाहिए, इसको एक बार चेक कर लेना चाहिए। इन ऑल लाइक्लीहुड ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, K2Cr2O7 प्लस 14HCl गिविंग यू K2Cr2O7 प्लस 14HCl गिविंग यू 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 7H2O प्लस 3Cl2। और यहां पर थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड होने की जरूरत है। 1 और 6 के बाद ऑक्सीजन को पहले मैंने बैलेंस किया, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम लोग सीधा हाइड्रोजन 7 × 2 = 14 निकाल सकते हैं। KMnO4 प्लस HCl क्लोरीन बनाने का, MnO2 प्लस HCl क्लोरीन बनाने का लैब मेथड होता है। HCl से क्लोरीन KMnO4, K2Cr2O7, MnO2, रेड लेड, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाल लेता है। ये हम लोग हैलोजन में भी ये रिएक्शन काफी बार देखते हैं, और 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये 14HCl याद ही हो जाता है, पर सुविधा होती है अगर हम ये 1 और 6 से स्टार्ट करें। सो नेचुरली विल टेक अप द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिंक प्लस HNO3 फॉर्मिंग जिंक नाइट्रेट N2O प्लस H2O, जिंक प्लस HNO3, जिंक प्लस HNO3 फॉर्मिंग जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 N2O, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, प्लस वाटर। और यहां पर भी वी कैन बिगिन विथ ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 0 है जो +2 होता है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 है जो +1 होता है, और जिंक का 0 से +2 N factor 2 ले सकते हैं, नाइट्रोजन का 5 to 1 N factor 4 ले सकते हैं। रेशियो मेरे को ये 2 लगेगा, ये इसका N factor 2 है और ये 4 है, तो इसका 4 मोल और इसका 2 मोल लेके स्टार्ट कर सकते हैं, इसका 4 मोल और इसका 2 मोल लेके स्टार्ट कर सकते हैं। नेचुरली इफ आई राइट 4 मोल्स ऑफ जिंक इंटरचेंज करने के बाद, +2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब ये 4:2 को हम लोग 2:1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेरे को पता है नाइट्रोजन मेरे को यहां पर 2 चाहिए या ज्यादा चाहिए, 4 और 2 से स्टार्ट करेंगे। और अगर यहां पर 4 जिंक है, तो मेरे को यहां पर 4 जिंक नाइट्रेट लेना पड़ेगा, 4 जिंक के लिए 4 जिंक नाइट्रेट लेना पड़ेगा, दिस विल गिव यू अ बेटर व्यू, 4 जिंक नाइट्रेट लेना पड़ेगा 4 जिंक के लिए। N2O हम लोग बाद में बैलेंस कर सकते हैं, H2O भी हम लोग लास्ट में बैलेंस कर सकते हैं, पर अगर यहां पर 4 जिंक है, 4 जिंक है, यहां 4 × 6 नाइट्रेट, 4 × 2 = 8 हो चुका है, 8 × 2 = 10 हो चुका है, 10 नाइट्रोजन मेरे को अगर यहां पर चाहिए, अगर यहां पर मेरे को 4 × 2 = 8 और 2 = 10 नाइट्रोजन मेरे को यहां पर चाहिए, तो मेरे को इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मेरे को इसको 2 नाइट्रिक एसिड को 8HNO3 करना पड़ेगा, इसको मेरे को 8HNO3 करना पड़ेगा, सॉरी 10HNO3 करना पड़ेगा, क्योंकि 8 और लेना पड़ेगा मेरे को यहां पे, 10HNO3 लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जहां तक किया है 4 जिंक के लिए 4 जिंक नाइट्रेट लेना ही पड़ेगा। तो ये इससे थोड़ी मदद मिलती है कि 4 × 2 + 2 = 10। अब ये 10 जब आ गया मेरा, तो हम लोग नाइट्रोजन बैलेंस कर चुके हैं, हाइड्रोजन ये 10 आता है, तो हाइड्रोजन सिर्फ यहां पर है, ये हम 5H2O ऐसे ले सकते हैं। और एक बार अब काउंट करते हैं,
अब हम नाइट्रेट को हमने बैलेंस कर लिया है, नाइट्रेट को हमने बैलेंस कर लिया है, जिंक को हमने बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन को हमने बैलेंस कर लिया है, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 5 और 16, ऑक्सीजन है 5 और 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन है मेरा टोटल 30, यहाँ पर ऑक्सीजन है 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 25 = 30, 10 × 3 = 30, तो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन को भी इक्वल पाते हैं। तो थोड़ी सी मशक्कत रहती है, थोड़ा सा काम करना रहता है, पर नेचुरली ये 4 जिंक नाइट्रेट होने से हम ये नाइट्रेट नाइट्रोजन 8 और 2 = 10 यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना रहता है, जो उतना डिफिकल्ट काम नहीं है। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल इज AsO3 3- + MnO4- becoming AsO4 3- MnO2 and OH-. अब ये आयनिक फॉर्म में एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये आयनिक फॉर्म में एक इक्वेशन दिया हुआ है, प्रोडक्ट में OH- है, तो एक तो जल्दी से पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, AsO3 3- + MnO4-, आयनिक फॉर्म में भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको सिखाया गया है, ये AsO4 3- + MnO2 + OH-, और जहां पर आयंस होते हैं, जहां पर आयंस होते हैं, एसिडिक या बेसिक मीडियम में एक इक्वेशन दिया रहता है, रिएक्शन होता है, अलग अलग किताब में बहुत अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करता है। मैं आपको सबसे सिंपल अप्रोच बताऊंगा इसको एक बैलेंस करने का, पर उसके पहले ऑक्सीडेशन नंबर, AsO3 3- में ये आर्सेनस है और AsO4 3- में ये आर्सेनिक है, ग्रुप 5 में है, इनर्ट पेयर इफेक्ट पड़ेगा, ग्रुप 5 में नाइट्रोजन फैमिली में दो ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, परमैंगनेट है ये, +7 KMnO4 के जगह MnO4- दिया हुआ है, और ये MnO2 में ये +4 रहेगा। तो जो अब तक करते आए हैं +3 से +5 n फैक्टर इज इक्वल टू 2, और MnO4- +7 से +4 n फैक्टर इज इक्वल टू 3, ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये 3 to 5 2 आता है, ये 7 से 4 3 आता है, इंटरचेंज करेंगे और इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। इंटरचेंज करने पर अगर 3 मोल AsO3- लिया 3- और अगर 2 मोल MnO4- लिया नाउ नेचुरली अगर यहां पर 3 AsO3 है, 3 आर्सेनिक है, तो यहां पर भी मेरे को 3 आर्सेनिक लेना पड़ेगा, यहां पर भी 3 आर्सेनिक लेना पड़ेगा, और अगर यहां पर 2 MnO4- है तो यहां पर भी 2 MnO2 लेना पड़ेगा, और एक OH- यहां पर है। किताब में जनरली इसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करके बताता है, वो भी हम देख सकते हैं, यहां पे 3 × 3 = 9 और 8, यहां पर 17 ऑक्सीजन है और यहां पर 4 × 3 = 12, 12 + 4 = 16, 4 × 3 = 12, 12 + 4 = 16, यहां पे 3 × 3 = 9 और 8 = 17 है, और यहां पर 16 है, 3 AsO4 3- 2 MnO2 + OH-, यहां पर 17 है, यहां पर 4 × 3 = 12 + 4 = 16 है। अगर हम इसको 2 OH- ले लें, अगर हम यहां पर 2 OH- ले लें तो हाइड्रोजन 2 बढ़ जाएगा, यहां पर वाटर लेने से बैलेंस हो जाएगा। मैं उससे बेटर तरीका बताता हूं, ये तो किताब की तरीका है। आप यहां पर चार्ज देखिए, ये 17 ऑक्सीजन और ये 17 ऑक्सीजन यहां पर है, और फिर ये OH- अगर नहीं लें, ये OH- नहीं लें तो ये 16 ऑक्सीजन है, यहां पर एक ऑक्सीजन कम है, तो जितना ऑक्सीजन कम होगा उसका डबल OH- लेकर के यहां पर उतना हाफ वाटर जोड़ते हैं। इससे एक आसान तरीका है, पहले बात तो 3 और 2 हमको मिल गया, सबसे पहला बात तो मेरे को 3 और 2 मिल गया, और ये 3 और 2 मिलने के बाद में यहां टोटल चार्ज -9 + -2, टोटल चार्ज यहां पर -11 दिखता है, यहां पर मेरे को टोटल चार्ज -11 दिखता है, और यहां पर मेरे को टोटल चार्ज -9 दिखता है। तो नेचुरली चार्ज से ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर ये -9 और -2 -11 है तो ये -9 के साथ में मेरे को राइट अवे 2 OH- चाहिए होगा। ये इसको करने का सबसे इंटेलिजेंट तरीका है, ये 2 OH- से ये हाइड्रोजन यहां पर 2 लगेगा, यहां पर हम एक H2O ले लेंगे और ये बैलेंस हो जाएगा।
अब 17 और 1 18 हाइड्रोजन हो गया, 16 और 2 18 ऑक्सीजन हो गया, यहां पर भी 17 1 18 ऑक्सीजन हो गया, यहां पर भी 18 ऑक्सीजन हो गया। और ये 2OH- समझने का बेस्ट तरीका होता है अगर हम चार्ज लेके जाए। -12 -11 था, -9 3 × 3 -9 -11, ये -9 है तो 2OH- लगने से चार्ज बराबर हो जाता है। तो चार्ज बैलेंस करके इसको सॉल्व करना सबसे आसान होता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं जहां पर ClO3-SO2 बिकम ClO2-HSO4- मीडियम एसिडिक दिया हुआ है, मीडियम एसिडिक दिया हुआ है मतलब मेरे को H+ लगेगा, पर H+ लगने से पहले हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ClO3- क्लोरीन यहां पर मेरा +5 आएगा, ये मेरा +4 आएगा सल्फर, यहां पर क्लोरीन +2 आता है और यहां पर सल्फर +6 होता है। सो नेचुरली +5 से +2 यहां पर इनफैक्टर 3 होगा और +4 से +6 यहां पर इनफैक्टर 2 होगा। सिंपल लग रहा है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, 2ClO3- प्लस इंटरचेंज करेंगे, इसका 2 मोल इसका 3 मोल, 3SO2 विल गिव मी, यहां पर हम लोग 2ClO2 ले सकते हैं, 2ClO2 ले सकते हैं, यहां पर हम 3HSO4- ले सकते हैं। और अब हम लोग चार्ज देखेंगे, यहां पर टोटल चार्ज 2-2, यहां पर टोटल चार्ज -2, यहां पर टोटल चार्ज -3, यहां पर टोटल चार्ज -2, यहां पर टोटल चार्ज -3, ये 3 मोल्स SO है, 3HSO4- है, यहां पर टोटल चार्ज -2, यहां पर टोटल चार्ज -3। सो नेचुरली इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को H+ लेना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। अगर हम यहां पर H+ लेते हैं राइट हैंड, यहां पर अगर हम H+ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर अगर हम लोग H+ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो चार्ज और कम जाएगा, चार्ज यहां पर और कम जाएगा, टू मोल्स ClO3- 3 मोल्स, माई गुडनेस, ये ClO3- +5 से +4 हो रहा है, ये एक छोटा सा यहां पर गड़बड़ है, ये +4 हो रहा है, ये n फैक्टर 1 ही होगा, इसीलिए ये बैलेंस नहीं हो रहा था, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, यहां पर n फैक्टर 5 to 4, यहां पर n फैक्टर, यहां पर n फैक्टर 1 ही होगा, यहां पर n फैक्टर 3 नहीं होगा, यहां पर n फैक्टर 1 होगा। और यहां पर n फैक्टर 1 लेने से, यहां पर n फैक्टर 1 लेने से, यहां पर n फैक्टर 1 लेने से, यहां पर n फैक्टर 1 लेने से SO2 एक मोल ही लेंगे, SO2 एक मोल ही लेंगे, और जब SO2 एक मोल ही लेंगे, SO2 जब एक मोल ही लेंगे, SO2 जब एक मोल ही लेंगे, दिस विल बी ओनली HSO4-, दिस विल बी ओनली HSO4-, दिस विल बी ओनली HSO4-, यहां पर टोटल चार्ज -2 है, यहां पर टोटल चार्ज -1 है, तो यहां पर एक H+ लेने से, यहां पर एक H+ लेने से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है, टोटल -2 -1, तो यहां पर एक H+ लेने से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। तो ये इसका बैलेंस फॉर्म है, ये इसका बैलेंस फॉर्म है, 1 और 2 से इंटरचेंज करके 2:1 का रेशियो से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। दिस वाज अ बेसिक मिस्टेक, +5 to +4 होगा, जिसको मैंने +2 ले लिया था। एंड विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस सेट, जहां पर Cl2+IO3- बिकमिंग Cl-IO4-, बेसिक मीडियम लिखा हुआ है। बेसिक मीडियम में मतलब मेरे को OH- कहीं पर लेना पड़ेगा, और उसके पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर यूज करेंगे, उसके पहले अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर यूज करेंगे तो यहां पर भी ये प्रैक्टिस की बात है, ये 0 से -1 होता है, ये +5 से +7 होता है, दिस इज +7, यस ऑल राइट। सो 0 से 1 2 क्लोरीन है, तो एन फैक्टर हम लोग यहां पर 2 लेंगे, और 5 to 7 यहां पर भी एन फैक्टर हम लोग 2 लेंगे। तो जब एन फैक्टर यहां पर भी 2 लेंगे, यहां पर भी 2 लेंगे, तो 1:1 रेशियो ही होता है, 1:1 रेशियो ही होता है, 1:1 रेशियो ही होता है, पर यहां पर 2 क्लोरीन है, तो यहां पर 2Cl- लेना पड़ेगा, यहां पर 2Cl- लेना पड़ेगा, और जब 2Cl- लेंगे,
उसके बाद मेरा चार्ज क्या आता है, यहां पर चार्ज आता है -1, वहां पे चार्ज आता है -3, यहां पर चार्ज आता है -1, वहां पर चार्ज आता है -3। सो नेचुरली यहां पर -1 और वहां पर -3, तो यहां पर मेरे को दो नेगेटिव चार्ज ज्यादा चाहिए। यहां पर हम दो OH- ऐड करेंगे, यहां पर हम दो OH- ऐड करेंगे, और दो OH- जब यहां पर ऐड करेंगे, एक मोल वाटर लेने से ये बैलेंस हो जाएगा, एक मोल वाटर लेने से ये बैलेंस हो जाएगा। अब टोटल ऑक्सीजन मेरा यहां पर 3 to 5 आता है, यहां पर भी 5 आता है, हाइड्रोजन 2 है, आयोडीन 1 है, क्लोरीन 2 है। सबसे अच्छा अप्रोच होता है चार्ज लेके काम करने से। यहां पर चार्ज -1 था, वहां -3 था, तो यहां पर 2 OH- बढ़ाया और दो हाइड्रोजन के लिए वहां पर एक मोल H2O ले लिया। तो लास्ट के दो तीन केसेस में हमने आयंस में एसिडिक और बेसिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करके भी इक्वेशन बैलेंस करना सीख लिया, और आई होप इससे इंट्रेंस एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद के किसी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन रेडॉक्स के आए, जितने इंट्रेंस एग्जाम्स में, सिर्फ सारे क्वेश्चन का एक वीडियो सेशन होगा। बट आई होप दिस थ्योरी विल हेल्प यू इन सॉल्विंग ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। अभी के लिए इतना ही, दिस मच फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच।